सोहना के भोंडसी में आयोजित शहीदी दिवस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में कार्तिकेय शर्मा ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बात का गौरव मिला है कि शहीदी दिवस के मौके पर वो गांव भोंडसी में आए और गांव का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि देश के प्रति अब तक 28 वीर इसी गाँव के शहीद हुए हैं। पहले युद्ध से लेकर आज तक देश को जब भी वीरों की जरूरत पड़ी है तो इस गांव ने अपनी शहादत दी है। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, ये न तिरंगे में देखने को मिलेगी न घरों में देखने को मिलेगी। अगर देखना है तो गांव भोंडसी में आकर राष्ट्रवाद को देखा जा सकता है जो उनके दिल में बसा हुआ है। हरियाणा तीन चीजों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें किसान, जवान और खेल, इन तीनों ही क्षेत्र में हरियाणा देश का नाम रोशन कर रहा है। करीब 100 सालों से हरियाणा के जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आज हमारे हरियाणा के लोगों को राष्ट्रवाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवाद उनके खून में ही बसा हुआ है। मुझे आज गौरव मिला, बहुत प्राइड से मैं आज भोंडसी गांव में आया हूं। बहुत बड़ा इतिहास रहा है भोंडसी गांव का, हमारे फौज के प्रति और देश की निष्ठा के प्रति। जितने हमारे वीर यहाँ से निकले हैं तकरीबन 28 शहीद हुए हैं भोंडसी गांव से पहले, और हर युद्ध में पहले विश्व युद्ध से लेकर आज तक जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तो भोंडसी गांव में पूरे हरियाणा की तरफ हमारे वीरों ने जाकर हमारी सीमा की रक्षा की है और उनकी अपनी जान उछाड़ा की है। मैं तो ये भी कहूँगा कि भोंडसी एक मॉडर्न विलेज के तौर पर देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की परिभाषा एक गाँव के अंदर क्या होती है, कि आपको किसी गाँव किसी घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, राष्ट्रवाद देखने की, झंडा देखने की, तिरंगा देखने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रवाद की आस्था हर घर में हर दिल में बसती है, ये भोंडसी है। यहाँ आप हरियाणा की पहचान के तीन खास बता रहे थे, क्या चाहते हैं? देखिए, हरियाणा तीन चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपने वीरों के लिए, अपनी किसानी के लिए और अपने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और मुझे लगता है कि तीनों में आज हरियाणा विश्व प्रसिद्ध है, चाहे वो किसानी के आयाम हो, चाहे वो जो काम हमारे वीरों ने किया हो, आंतरिक सुरक्षा को लेकर या दुश्मनों से लड़ने की बात हो। और इस बात को मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि वो हमारी एक या दो दशक की बात है, ये 100 साल पुरानी हिस्ट्री है। और हमारे बच्चों को यहाँ पर किसी को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रवाद उनके खून में है, वो अपने आप आता है, उसी का एक प्रतीक बहुत से। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भोंडसी गांव को एक मॉडल विलेज की तरह देखा जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने शहीद की विधवाओं को भी सम्मानित किया और कहा कि गांव की किसी भी समस्या के लिए वो हर समय खड़े हैं। इस दौरान गांव के लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा से 100 बेड के अस्पताल की भी मांग की है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि गाँव वालों की ये मांग कब तक राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा पूरा करते हैं। सत्य सटीक बेबाक।